नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अद्भुत एडवेंचर में। स्विमिंग पूल गर्मियों में मस्ती करने की बहुत अच्छी जगह। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 5 अजीब और खतरनाक स्विमिंग पूल के बारे में बताएंगे। इनमें से कुछ शानदार भी हैं और कुछ इतने खतरनाक हैं जिसमें स्विमिंग करते वक्त लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आप सोच रहे होंगे भला स्विमिंग पूल कैसे खतरनाक हो सकते हैं, आइए देखते हैं। विंटर स्विमिंग पूल। हर साल फरवरी के महीने में स्वीडन में एक चैंपियनशिप करवाई जाती है जहां लोगों की सहनशीलता को देखा जाता है और इसके लिए वहां जमी हुई बर्फ़ को काट कर एक पूल बनाया जाता है जिसमें लोगों को ठंडे पानी से एक तरफ शुरू से अंत तक जाना होता है। दोस्तों, स्विमिंग पूल का पानी इतना ठंडा होता है कि 15 मिनट से ज़्यादा उसमें कोई रुक नहीं सकता। ऐसे में किसी व्यक्ति का इसमें रुकना अपनी मौत को बुलावा हो सकता है, इसलिए प्रतियोगिता करवाने वाला यहाँ मेडिकल रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका इलाज किया जा सके। केस ऑफ डेथ। अगर कभी कोई कुत्ता सामने आ जाए तो भी अधिकतर लोग डर के मारे कांप उठते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके पास मगरमच्छ घूमे तो आप क्या करेंगे। क्रोकोसोरस कॉब डॉर्विन 2008 में शुरू हुआ था। इसमें करीब 200 बड़े मगरमच्छ हैं। इसमें कुछ खारे पानी के भी मगरमच्छ हैं। यहाँ पर दुनिया भर से लोग मगरमच्छ देखने के लिए आते हैं। इसे कैच ऑफ डेथ यानी मौत का पिंजरा कहा जाता है। इसमें लोगों को एक शीशे के बक्से में बंद करके पानी में डाल दिया जाता है। इस पानी में भारी भरकम बड़ा सा मगरमच्छ होता है और वो बक्से के आसपास घूमता रहता है। शीशे का बक्सा कांच इतना मजबूत होता है कि वो टूट नहीं सकता। उस वक्त देखने वालों की क्या हालत होती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक बार में आपको 15 मिनट के लिए पानी के मगरमच्छ के साथ रखा जाता है। शीशे के बक्से में एक या दो से एक व्यक्ति ही जा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी मगरमच्छ को हर तरफ से 360 डिग्री से देख सकते हैं। अमन गिरी रिजॉर्ट पुल। यूएस से मोहताज की घाटियों बना यह पुल आपको बहुत रिलैक्स महसूस कराएगा और यहाँ पर पहाड़ी इलाके के नज़ारे अपनी लाइफ में कभी और नहीं देखे होंगे। इसे बनाने के लिए पुल के ओनर ने उस पुल के बीच बने पत्थर को काटने के लिए मना कर दिया क्योंकि यह 165 मिलियन साल पहले की चट्टान थी और बाद में यही चट्टान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कारण बनी। एक्वेरियम पुल। यह एक ऐसा स्विमिंग पुल है जिसे देखने के बाद यहाँ जाने का मन जरूर करेगा। इस पुल को होटल के चारों तरफ बनाया गया है और इसकी दोनों साइड ग्लास की बनी है, मतलब आप पूल से बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं और होटल के अंदर बने बेडरूम को भी देख सकते हैं और बेडरूम से पूल में तैरने वाले लोगों को देख सकते हैं जो आपको मछलियों की तरह तैरते हुए दिखाई देंगे। अगर आप इस स्विमिंग पूल में तैरना चाहते हैं तो आपको एक नाइट के 600 पाउंड यानी 62,000 रुपये देखने होंगे। सुइयो वाटर पार्क। चीन के सुइयो वाटर पार्क में ऐसा स्विमिंग पूल है जिसमें आपको समुद्र जैसी बड़ी बड़ी लहरों का मजा लेने को मिलेगा। यह एक आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल है। सुइयो वाटर पार्क में लगी वेब मशीन से अचानक सुनामी जैसी लहरें उठने लगती हैं और इन लहरों को आनंद उठाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, आप इनमें से किस स्विमिंग पूल में जाना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइएगा और घंटी बजाना मत भूलिएगा।